हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। होप करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो ये वक्त है सुबह का, मैं नहा के पूजा करने आ गई थी। आज मम्मी मेरे साथ पूजा नहीं कर पाई क्योंकि काफ़ी इनविटेशन थे गौरी के आज कन्या खाने के लिए, तो गौरी को लेके मम्मी ही जाती हैं तो वो गई थी। तो मैंने ही आज पूजा कर ली थी, मम्मी ने अलग कर ली थी पहले और फिर मैंने सब काम निपटा के फिर मैंने बाद में की। अभी पूजा करने के बाद मैं आई हूँ दूध लेने के लिए, मुझे चाय बनानी है अपने लिए। सबसे पहला काम मेरा यही होता है कि मैं पहले चाय पी लूँ, और एक कप चाय पीने के बाद मैं पूरा दिन आराम से रह लेती हूँ, मुझे कोई नीड नहीं रहती और किसी चीज़ की। साथ में मखाना मूँगफली भी लेती हूँ और बस इसे पी के बहुत सुकून मिलता है। थोड़ा वेट किया, उसके बाद देखा गौरी अपनी एक फ्रेंड के साथ में आ गई है। एक्चुअली बड़ी है गौरी से, 3-4 5 साल की है शायद, ये काफ़ी टाइम से हमारे घर आ रही है। अभी मैं यहाँ पर मम्मी का खाना लगा रही हूँ, और अब मम्मी का खाना लगाने के बाद गौरी अपनी फ्रेंड के साथ अभी भी बिज़ी है, और इसको बिज़ी रखा भी है ताकि मम्मी आराम से खाना खा ले, उसके बाद मम्मी नीचे लेके जाएंगी फिर हम अपना बाकी का काम निपटाएंगे। अब सारा काम निपट चुका है, बस रात वाला सीन बना दिया है कमरे को। मतलब होता है ना दोपहर में कि जितना ज़्यादा मैक्सिमम अंधेरा कर पाओ उतना कर लो और आराम से सो। सोने से पहले गौरी की ये सब शरारत चलती रहती है और बहुत सारी बातें करती है मेरे साथ, उसके बाद ही वो सोती है और हम दोनों को एक दूसरे के बिना नींद नहीं आती है। वो कहीं भी पूरा दिन रहे मगर सोते टाइम उसे मम्मा ही चाहिए। शाम का टाइम हो गया है, मैंने आज बनाया अपने लिए कुट्टू के आटे की पूड़ी, उसमें थोड़ा सालू डाल दिया था। मैंने आज पहनी ब्यूटीफुल सी साड़ी, और इस तरह की साड़ियाँ मुझे बहुत अच्छी लगती है इसलिए मेरे पास इसका कलेक्शन भी बहुत है। आज मैंने बनाया था फ्राइज़, थोड़े से चाय और पूड़ी, क्योंकि मेरा ना नवरात्र का जो व्रत वाला खाना होता है उसका स्टॉक ख़त्म हो गया था, और मैंने फिर एक्स्ट्रा कुछ मंगाया भी नहीं क्योंकि फिर वो बच जाता है। इस वजह से मैंने सोचा चलो पेट भरना है तो थोड़े फ्राइज़ और बना लेते हैं। यहाँ गौरी पी रही है पानी, घूम के आई है, इसे प्यास बहुत लग जाती है घूमने के बाद। और घर में सबके लिए मैंने बनाई आलू परवल की सब्जी रोटी। गौरी यहाँ मस्ती कर। सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज है नवरात्रि का 8वां दिन, आप सभी को नवरात्रि के 8वें दिन की बहुत 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 शुभकामनाएं। माता रानी आपकी सभी मनोकामनाओं को पूरा करें। एक्चुअली आज गौरी के साथ में रिकॉर्डिंग इस वजह से करनी पड़ रही है, मैं बिल्कुल भूल रही थी कि मुझे लास्ट में कुछ रिकॉर्ड भी करना होता है, और हम लोग सोने ही जा रहे थे। फिर मैंने कहा रुको गौरी, हम लोग चलो इंट्रो शूट करते हैं, आज तुम भी आ जाओ और फिर हम लोग शूट करेंगे। और देखो ये कितना परेशान करिए। तो हम लोग बस सोने ही जा रहे थे, फिर मुझे बिल्कुल ध्यान नहीं था, और अभी बस हमने मुझे ध्यान आया फिर मैंने तुरंत लाइट्स ऑन की और मैंने सोचा चलो जल्दी से थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। सो कल मुझे कन्या खिलानी है, और कन्या खिलाने के बाद ही मैं अपना व्रत जो है वो खोलूंगी। सो उसकी सारी प्रिपरेशन मैंने आज कर ली है, जो आपको कल के ब्लॉग में दिख जाएगी। अभी फिलहाल मेरे पास कोई काम नहीं है, मैंने सारे जितने भी काम मुझे करने थे कल के लिए वो सारे मैंने कर लिए हैं। मींस मेरी एक हैबिट है कि मैं पूजा पाठ का खाना जो भी प्रॉपर बनता है उससे पहले किचन वगैरह अच्छे से धुल लेती हूँ, तो वो सब मैंने धुल लिया है। अब मुझे क्या करना है, और हाँ मुझे जो भी चना छोला जो भी भिगोना था वो सारी चीजें हो गई मेरी, मतलब सुबह की मोस्ट प्रेप हो ही गई है। अब मुझे अभी टाइम पे सोना है क्योंकि कल मुझे बहुत जल्दी उठना है, और उसके बाद बस काम में ही लगे रहना है। कल मुझे बैठने का भी टाइम नहीं रहेगा, तो मम्मी और मैं मिलके फटाक से सारा काम निपटा लेंगे जैसे हम लोग हमेशा ही कर लेते हैं। और गौरी जब तक सो रही होगी तभी तक हो पाएगा, वरना किसी एक को तो बैठना ही पड़ेगा। बट कोई बात नहीं, हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि जल्दी से हमारा काम हो जाए और मैं एक एक चीज आप लोगों के साथ में शेयर कर पाऊं, इसका भी मैं पूरा पूरा ट्राई करूंगी। और बस अभी के लिए और कुछ है नहीं, तो गौरी भी यहाँ पे बाल खोल के परेशान कर रही है। हाँ तो बस अभी के लिए इतना ही, बाकी बहुत अच्छा व्लॉग आएगा कल, क्योंकि कल जब हम लोग कन्या खिलाते हैं तो बहुत अच्छे से खिलाते हैं, और जो हमारे यहाँ कन्याएं हैं वो भी बड़ी खुश होकर जाती हैं। मैं एक्चुअली फुल मील खिलाती हूँ, और जो कन्या यहाँ पे सब खाती हैं आती हैं लड़कियाँ, तो वो सब यही कहते हैं कि आंटी हम लोग मीठा खा खा के बोर हो गए हैं और आपके आते हैं पूरी मील मिलती है, बहुत अच्छा लगता है। गौरी नहीं तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है अभी तो सब बुला देती है। सो सारी चीजें बनानी होती है, मतलब मैं एक डिप भी बनाती हूँ, पूरी सब्जी, और नवमी की भी पूजा होती है तो खीर पूरी भी बनती है, तो वैरायटी काफी हो जाती है 4-5 तरह की। और बच्चे बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं, उन्हीं को ध्यान में रख के ही सारा खाना बनता है। सादा खाना तो हमारे वैसे भी बनता है, बट कल तो और थोड़ा सा ध्यान दिया जाएगा इस चीज का क्योंकि बच्चे खाएंगे स्पेशली। और कल का जो व्लॉग होगा ना वो बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, आपको बहुत। हाँ बिट्टू आ रही है मम्मा, है ना। तो कल का व्लॉग आप लोग बिल्कुल भी मिस ना करिएगा, और ऐसे अपना सपोर्ट एंड प्यार बनाए रखिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में शेयर करिएगा। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।